गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 4th, फादर्स हेल्प। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस प्री रीडिंग टास्क ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1st, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड मंडे मॉर्निंग ब्लूज व्हाइल गोइंग टू स्कूल आफ्टर एन एंजॉयबल वीकेंड? शेयर सम सच एक्सपीरियंसेस विद योर फ्रेंड्स। You can give your answer in this way: yes, sometimes I don't like to go to school on Monday. After enjoying weekend, it seems irksome, tedious, boring to attend the school. Irritating. Irksome is tedious, boring, irritating. And once I visited Mount Abu and returned on Sunday, next day I didn't go to school. Because after hectic schedule, hectic means busy schedule in Mount Abu, I exhausted means tired, मैं काफ़ी थक गया था। So I was only enjoying those moments, और मैं उन क्षणों को, उन लम्हों को enjoy कर रहा था। Second question, suppose मान लीजिए you do not wish to go to school someday, किसी दिन आपका स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, डू यू, तो आप क्या करते हो? प्रिटेंड टू हैव अ हेडेक, क्या आप दिखावा करते हो मुझे सर में दर्द है? टेल योर पेरेंट्स दैट यू डोंट हैव एनी इम्पोर्टेंट क्लास, या आप ये बताते हो पेरेंट्स को कि आज कोई इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है। टेल योर पेरेंट्स दैट ट्रूथ, या उन्हें सच बताते हो। मेक सम अदर एक्सक्यूज़, या कोई और बहाने बनाते हो। शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर फ्रेंड्स, इट इज़ ट्रू फ्रॉम माई साइड दैट सो मैनी टाइम्स, ये बिल्कुल सच है, कई बार ऐसा होता है। आई डोंट लाइक टू अटेंड द स्कूल, कई बार स्कूल जाने का मन नहीं करता, एंड टू एस्केप फ्रॉम इट, तो स्कूल से बचने के लिए आई हैव टू मेक अदर एक्सक्यूजेज लाइक हेडेक और स्टमक पेन एक्सेट्रा। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वंस। इट्स वेरी ईजी, यू कैन डू इट वेरी ईजी। एंड बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। हाउ डिड स्वामीज फादर रिएक्ट व्हेन स्वामी टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल? स्वामी के फादर ने कैसे रिएक्ट किया जब स्वामी ने उन्हें बताया कि वह स्कूल नहीं जा रहा? हाउ डिफरेंट वाज हिज रिएक्शन फ्रॉम दैट ऑफ स्वामीज मदर? तो उसकी जो प्रतिक्रिया वो डिफरेंट कैसे है स्वामी की मदर से? स्वामीज फादर वॉज स्टबोन, उसके पिताजी क्या है, बहुत ज़्यादा जिद्दी थे। ही गॉट वेरी एंग्री, बड़े नाराज हो गए थे, एंड ही वॉन्टेड दैट, वो चाहते थे स्वामी शुड गो टू स्कूल एट एनी कॉस्ट, कि किसी भी कीमत पर स्वामी को स्कूल जाना ही चाहिए था। एंड हिज मदर रिएक्टेड सॉफ्टली टू स्वामीज डिमांड ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल, और उसकी मदर ने बहुत ज़्यादा सॉफ्टली रिएक्ट किया, विनम्रता से प्रतिक्रिया दी। शी रिप्लाइड दैट ही कुड स्टे बैक इफ़ ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, अगर उसे सही नहीं लग रहा, अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो वो घर पे ठहर सकता है। सेकंड क्वेश्चन, फादर्स बिहेवियर टू कैन एक्सपेक्टेड टर्न, अचानक पिताजी के व्यवहार में बदलाव आया। व्हाट वॉज अनएक्सपेक्टेड अबाउट स्वामीज फादर्स बिहेवियर, अनएक्सपेक्टेड क्या था, परिवर्तन जो आया था वो क्या था? स्वामी मेड एन एफर्ट टू कन्विंस हिज फादर दैट हिज टीचर मिस्टर सैमुअल वुड बीट हिम ऑन बीइंग लेट। स्वामी ने बहुत एफर्ट्स किए अपने फादर को कन्विंस करने के लिए कि अगर वह स्कूल में गया तो उसके टीचर मिस्टर सैमुअल उसकी बहुत पिटाई करेंगे लेट होने के कारण। सो दिस मेड हिज फादर वेरी एंग्री, इस बात ने उसके पिताजी को बहुत नाराज कर दिया। And he told that parents were not sending their children to be beaten up by in the school. तो स्वामी के फादर ने कहा कि वो अपने बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं भेज रहे कि उन्हें टीचर के द्वारा पीटा जाए, या स्कूल में पिटाई के लिए अपने बच्चों को नहीं भेज रहे थे। स्वामी knew very well, स्वामी अच्छे तरीके से जानता था, that he had given wrong description of Mr. Samuel to his father. कि स्वामी इस तरीके से जानता था कि उसने अपने टीचर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हाई डिडंट स्वामी हैंड ओवर
द कंप्लेन लेटर टू द हेडमास्टर इन द मॉर्निंग। स्वामी ने वो लेटर हैंड ओवर क्यों नहीं किया हेडमास्टर को मॉर्निंग टाइम में। स्वामी न्यू वेल, स्वामी जानता था ही हैड गिवन रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल टू हिज फादर। वो जानता था कि उसने गलत डिस्क्रिप्शन दिया है अपने फादर का, अपने फादर को अपने टीचर के बारे में। सो ही डिड नॉट हैंड ओवर द कंप्लेन लेटर टू द हेडमास्टर इन द मॉर्निंग। इसलिए वह मॉर्निंग में उस लेटर को अपने हेडमास्टर को नहीं देना चाहता था। ही वॉन्टेड दैट स्वामी शुड डू सच एन एक्ट। वह चाहता था कि सैमुअल को ऐसा काम करे दैट माइट मेक हिम जस्टिफाइड फॉर द पनिशमेंट, जिससे जो पनिशमेंट मिस्टर सैमुअल को मिलेगी उसको वो डिज़र्व करता हो। मीन्स स्वामी वॉन्टेड टू प्रोवोक मिस्टर सैमुअल, वो उसे उकसाना चाहता था फॉर पनिशमेंट। क्वेश्चन फोर्थ, कुड स्वामी डिलीवर द कंप्लेन लेटर टू द हेडमास्टर आफ्टर द स्कूल, वाई नॉट। क्या स्वामी ने वो कंप्लेन लेटर हेडमास्टर को दिया आफ्टर स्कूल, क्यों और क्यों नहीं? नो, स्वामी कुडंट डिलीवर द कंप्लेन लेटर टू द हेडमास्टर आफ्टर द स्कूल। स्वामी ने वो लेटर नहीं दिया हेडमास्टर को स्कूल टाइम के बाद, बिकॉज आफ्टर द स्कूल वॉज क्लोज, जब स्कूल बंद हो गया था, ही मतलब कि स्कूल टाइम ओवर हो गया था, ही वेंट टू द हेडमास्टर्स रूम टू डिलीवर द कंप्लेन लेटर। वो हेडमास्टर के रूम में गया था लेटर देने के लिए, बट सडनली ही केम टू नो, उसे पता चला दैट द हेडमास्टर हैड गॉन ऑन अर्लियर, कि जो हेडमास्टर है वो ऑलरेडी पहले ही जा चुके थे। एंड असिस्टेंट हेडमास्टर वॉज मिस्टर सैमुअल। नेक्स्ट पॉइंट, हॉट्स। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट प्रिजनर ऑन अर्थ। डिस्क्राइब, स्वामी जब स्कूल जा रहा था तो महसूस करा कि बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है धरती के ऊपर, तो डिस्क्राइब कीजिए इस बात को। डिस्क्राइब स्वामी इज़ फीलिंग एट दिस पॉइंट, वाई डिड ही फील लाइक द वर्स्ट प्रिजनर। स्वामी टोल्ड सेवरल लाइज अबाउट हिज टीचर सैमुअल फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि स्वामी ने कई झूठ बोले थे अपने टीचर के बारे में स्कूल ना जाने के लिए। ही वॉज फीलिंग वेरी बैड, अब उसे बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज आफ्टर रीडिंग द लेटर, लेटर को पढ़ने के बाद द हेडमास्टर माइट डिसमिस हिम, हेडमास्टर उसको डिसमिस कर देगा मिस्टर सैमुअल को, एंड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, और उसे पुलिस के हवाले कर देगा। एंड सैमुअल वॉज नॉट ए बैड टीचर, सैमुअल था वो इतना बुरा टीचर भी नहीं था, बट स्वामी मेड हिम सो सेइंग दैट ही बीट्स बॉयज सीवियरली, लेकिन स्वामी ने उसको ऐसा बना दिया था जब उसने कहा कि बच्चों को बुरे तरीके से पीटता है। सो सैडली ही फेल्ट लाइक द वर्स्ट प्रिजनर, इसलिए वो दुखी होकर ऐसा सोचता है। हिज कंसाइंस चाइल्ड मिस कोल्ड हिम फॉर हिज फॉल्स इमेजिनेशन, उसकी जो अंतरात्मा है, कंसाइंस सोल, उसकी जो आत्मा है वो उसे डांटती है उसकी झूठी स्टेटमेंट्स के लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट कैटेगरी, लाइफ स्किल्स। व्हाट इम्प्रेशन हैव यू फॉर्म्ड बाय ऑफ स्वामीज रिलेशन विद हिज फादर, हाउ शुड चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स बिहेव विद ईच अदर, कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन को कैसे बिहेव करना चाहिए दूसरे के साथ, और व्हाट इम्प्रेशन, आप क्या सोचते हो, हैव यू फॉर्म्ड ऑफ स्वामीज रिलेशन विद हिज फादर, कि स्वामी के कैसे रिलेशन अपने फादर के साथ। स्वामीज फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, उसके बाद वो स्ट्रिक्ट पर्सन थे, एंड ही नेवर लिसन्स एक्सक्यूजेज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, वह कभी ऐसे बहानों को पसंद नहीं करते जिसे स्कूल मिस हो। ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड इन नेचर, वह डिसिप्लिनियर पर्सन है, एंड वॉन्ट्स द सेम इन हिज सन, वो वही चीज़ अपने बच्चे में भी चाहते हैं। एट द सेम टाइम, उसी टाइम ही इज़ अ केयरिंग फादर, वह बहुत ही केयरिंग, केयर करने वाले फादर भी हैं। ही फील्स एंग्री, उन्हें बड़ा बुरा लगता है व्हेन ही हियर्स दैट सैमुअल बीट्स चिल्ड्रन सीवियरली, जब उसे पता चलता है कि मिस्टर सैमुअल बच्चों को बुरे तरीके से पीटते हैं। ही इवन राइट्स अ लेटर टू द हेडमास्टर, वह मुख्याध्यापक
लेटर भी लिखते हैं, सो दैट द चिल्ड्रन वुड बी एस्केप्ड फ्रॉम द पनिशमेंट, ताकि बच्चों को सजा से बचाया जा सके, एंड सैमुअल मस्ट बी पनिश्ड, और सैमुअल को सजा दिलाई जा सके फॉर हिज क्रैंकी एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, ताकि उसका जो रूडली बिहेवियर बच्चों के प्रति, उसके कारण उसको पनिशमेंट मिल सके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूज। स्वामी गिव्स अ वेरी अनफेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल टू हिज फादर। स्वामी ने बड़ा गलत डिस्क्रिप्शन दिया अपने फादर को मिस्टर सैमुअल के बारे में। सो हाउ वुड यू हैव बिहेव्ड हैड यू बीन इन स्वामीज प्लेस, अगर आप स्वामी की जगह पे होते तो कैसे बिहेव करते। सो यू कैन गिव योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग स्किल। इमेजिन दैट, कल्पना कीजिए कि यू आर स्वामी, आप स्वामी हो, एंड राइट अ डायरी एंट्री रिलेटिंग योर एक्सपीरियंस विद सैमुअल इन द स्कूल। व्हाट ए बैड डे, क्या बुरा दिन था, इट वॉज फॉर मी, आज का जो मेरे लिए था। आई वॉज फोर्स्ड, मुझे फोर्स्ड मीन कंपेल, मैं मजबूर था। आई वॉज फोर्स्ड, मुझे मजबूर किया गया था बाय माई फादर टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना था। आई मेड एन एक्सक्यूज़, मैंने बहाना बनाया था, दैट माई टीचर मिस्टर सैमुअल वुड बीट मी, कि मेरे जो अध्यापक हैं मिस्टर सैमुअल वो मेरी पिटाई करेंगे, बिकॉज आई वॉज लेट। बींग एंग्री, नाराज होते हुए, माई फादर रोट अ लेटर अगेंस्ट हिम, मेरे पिताजी ने एक लेटर लिखा उनके खिलाफ, एंड आस्क्ड मी टू गिव इट टू माई हेड मास्टर, और ये एक आगे जाके से हेड मास्टर को दे देना। आई रीच्ड स्कूल एंड आई न्यू दैट, आई टोल्ड लाइज टू माई फादर अबाउट मिस्टर सैमुअल। आई डिसाइडेड टू प्रोवोक माई टीचर, मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे टीचर को क्या करूँगा, प्रोवोक करूँगा, उकसाऊँगा उसको, ताकि वो मुझे बीट करे। द टीचर सैड नथिंग ऑन माई लेम एक्सक्यूज ऑफ गेटिंग लेट, टीचर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा जो मैंने झूठा बहाना बनाया था स्कूल लेट जाने के लिए, एंड नॉट डूइंग होमवर्क, मैंने होमवर्क भी नहीं किया तब भी उसने कुछ नहीं कहा। इट वॉज फोर देन, तब चार बज गए थे, एंड सैमुअल केम अगेन, सैमुअल फिर से आया, एंड आई बिगेन टू आस्क हिम सीली क्वेश्चंस लाउडली, मैंने उनसे मूर्खता वाले क्वेश्चन पुट करना शुरू कर दिया चिल्ला चिल्ला कर। आई स्कोल्डेड, ही स्कोल्डेड मी, ही चाइडेड, उन्होंने मुझे डांटा, रिब्यूक्ड सेवरल टाइम, कई बार उन्होंने मुझे डांटा, एंड आस्क्ड मी टू शट माई माउथ, और मुझे ये कहा कि तुम अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ। बट ही फाउंड मी क्वाइट अनडिसिप्लिन, लेकिन उसने मुझे पाया कि आई एम नॉट फॉलोइंग रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल। सो ही टुक आउट ही स्टिक, उसने अपना स्टिक निकाली वहाँ से ड्रॉर से, एंड बीट मी, और मेरी पिटाई की। इट वॉज आई हु प्रोवोक्ड माई टीचर, प्रोवोक्ड हिम टू डू सो, ये मैं ही था जिसने उन्हें उकसाया था, इंस्टिगेट किया था ताकि वो मेरी पिटाई करें। बी पार्ट, इमेजिन दैट यू आर सैमुअल, कल्पना कीजिए आप सैमुअल हो। सो राइट डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर सरप्राइज एट स्वामी स्ट्रेंज बिहेवियर इन द क्लास, योर फीलिंग्स एट कैनिंग हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मैंशन डेट, आफ्टर दैट टाइम, आफ्टर दैट डे। ओ वट ए बैड एक्सपीरियंस आई हैड टूडे इन माई क्लास, कितना बुरा एक्सपीरियंस था मेरे लिए क्लास में आज। टूडे आई वॉज टीचिंग अरिथमेटिक, आज मैं गणित टीच कर रहा था। वैन स्वामी केम इन, जब स्वामी अंदर आया, ही वॉज हाफ एन आवर लेट, आधा घंटा लेट था वो। वैन आई आस्क्ड हिम द रीज़न, जब मैंने कारण पूछा, ही आंसर्ड मी दैट ही वॉज हैविंग ए हेडेक, उसने कहा कि उससे सर में दर्द हो रहा था। ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया था। आई सैड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। इट वॉज फोर देन, तब चार बज गए थे। इट वॉज माई हिस्ट्री पीरियड इन स्वामीज क्लास, आई फेल्ट दैट, मुझे ऐसा लगा कि ही वॉज बिहेविंग इन एन अनयूजल मैनर, वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, एज ही डिड नेवर बिफोर, उसने ऐसा आज तक पहले कभी नहीं किया था। ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन इन ए लाउड वॉइस, उसने मेरे से क्वेश्चन पुट किया बड़ी ऊँची आवाज में, एंड आई कंट्रोल्ड माई एंगर, मैंने अपने गुस्से को काबू किया, एंड टोल्ड हिम टू सिट डाउन, उसे बैठने के लिए कहा। आई इवन टोल्ड हिम दैट हिज हेडेक हैड मेड हिम मैड, मैंने उसे ये भी बताया कि शायद तुम्हारे सरदर ने तुम्हें पागल बना दिया है। आई थ्रेटन्ड टू कैन हिम, मैंने उसे धमकी भी दी कि इफ़ यू विल नॉट शट योर माउथ देन आई विल पनिश यू। आई आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द मुगल पीरियड, मैंने क्वेश्चन पुट किया मुगल पीरियड के ऊपर। स्वामी स्टूड एंड बिगेन टू इंटरप्ट, स्वामी फिर से खड़ा हुआ और उसने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। ही प्रोवोक्ड मी, उसने मुझे इतना
विद हिज अनोइंग क्वेश्चन, उसने मुझे बहुत उकसाया अपने इरिटेटिंग क्वेश्चन से। इट मेड मी आउट ऑफ टेम्पर, इससे मैं अपना आपा खो बैठा। एंड आई केन हिम, मैंने उसके स्टिक से पिटाई की। बट आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बड़ा दुख महसूस हुआ। आई एम नेवर इन फेवर ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स, मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट दी जानी चाहिए। बट ही प्रोवोक्ड मी, लेकिन उसने मुझे इंस्टिगेट कर दिया था सो मच, इतना ज़्यादा कि दैट आई हैड टू बीट हिम, कि मुझे उसकी पिटाई करनी ही पड़ी। माई हार्ट इज़ हैवी टिल दैट, तब से मेरा हार्ट बड़ा दुखी हुआ पड़ा है, मुझे बड़ा दर्द महसूस हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन इट ट्वाइस एंड थ्राइस टू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। सो टिल देन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।